तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गोगल क्या पहन के देखना पड़ता है, हर गोगल हर चेहरे पे फिट नहीं बैठता है भाई, अच्छा नहीं लगता है। मान लो मैंने बबीता जी को गोगल दिया और उनके चेहरे पे वो अच्छा नहीं लगा तो गोगल नहीं कुछ और सोचो। तो एक काम करना सेठ जी, गोगल्स पसंद करने आप बबीता जी के साथ चले जाना। बावरी जी को जब भी गोगल्स पसंद करने होते हैं मैं हमेशा उनके साथ जाता हूँ। बागा बावरी तेरी मंगेतर है, बबीता जी थोड़ी सेठ जी की मंगेतर है। तो नहीं गोगल नहीं कुछ और सोचो। तो आप उन्हें स्मार्ट वॉच दे दीजिए। हाँ, ना क्यों नहीं। तो भाई ये स्मार्ट वॉच क्या है कि उसका हर 3-4 महीने में नया मॉडल आता है, तो हमने दी हुई गिफ्ट 3-4 महीने में फिर वो आउटडेटेड हो जाती है। You mean to say outdated? हाँ, वही। नहीं, स्मार्ट वॉच नहीं, कुछ और सोचो। तो अच्छा सा ड्रेस मटेरियल दे दीजिए। हाँ बावरी जी ये एकदम मस्त आइडिया है। तो क्या अच्छा आइडिया है, ड्रेस मटेरियल लेके बबीता जी कहाँ पंजाबी ड्रेस सिलाने जाएंगे। वैसे भी होता सब इंग्लिश कपड़े पहनते हैं। नहीं ड्रेस मटेरियल नहीं, कुछ और सोचो। और क्या भेज सकते हैं। ओ काका कहाँ जा रहे। सोच रहा हूँ। तो चलना जरूरी है, इधर खड़े रह के सोचिए ना। आइडिया, अरे हाँ बबीता जी को रसगुल्ला बहुत पसंद है ना, तो आप उन्हें एक बड़ा सा 20 किलो का रसगुल्ला दे दीजिए। बावरी जी 20 किलो रसगुल्ले। नहीं भाई 20 किलो रसगुल्ले नहीं, वो कह रही है 20 किलो का एक बड़ा रसगुल्ला दे दीजिए। बावरी जी। हाँ मैंने अभी न्यूज़पेपर में पढ़ा था, एक जगह माता जी को नवरात्रि में 20 किलो का लड्डू चढ़ाया गया था। अरे लड्डू और रसगुल्ले में कुछ फर्क है क्या। नहीं 20 किलो के रसगुल्ले के साथ कम से कम 30 किलो की तो चाशनी चाहिए। तो अरे पर 20 किलो के रसगुल्ले को 30 किलो की चाशनी में डुबो के देने का कैसे। अरे सबसे पहले तो 30 किलो चाशनी रखेंगे किस में। टंकी में। बराबर ने। हाँ 30 किलो चाशनी एक टंकी में अलग से ले जाने की, और जो 20 किलो का रसगुल्ला है उसके साथ ददुड़ के ले जाने का। बराबर ने। नहीं बावरी जी कुछ और सोचिए। भाई बस भाई देख ली तेरी बावरी की सोचने की कला देख ली। बस आज के लिए इतना काफी है बेटा, तू निकल। हाँ ओके बाय। सोच बागा बबीता जी को क्या गिफ्ट दे सकते हैं। नहीं आप दोनों काम में ध्यान दीजिए, मैं सोचता हूँ क्या गिफ्ट देनी है। गिफ्ट यहाँ पे शॉपिंग करने पर गिफ्ट मिलती है क्या। गिफ्ट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके साथ आपको एक स्क्रैच कार्ड मिलेगा, जिसे स्क्रैच करने पर आपके नसीब में जितना भी कैशबैक होगा वो आपको मिलेगा। बताइए क्या खरीदना है आपको। हमें ना बढ़िया सा वॉशिंग मशीन दिखा दीजिए। वॉशिंग मशीन, आइए मैं आपको बढ़िया वॉशिंग मशीन दिखाता हूँ। आइए सर, आइए मैडम, इस तरफ आइए, ये देखिए। सेठ जी मैं क्या कह रहा हूँ, कस्टमर के जाने के बाद हम गिफ्ट के बारे में सोचते हैं। वो मैं सोचूंगा, अभी आप कस्टमर पे ध्यान दीजिए। वो बागा ध्यान दे रहा है ना। तेरे को बिल नहीं बनाना है। वो खरीदी करेंगे तो ना। करेंगे क्या गिफ्ट दूं बबीता जी को। एक काम करता हूँ, घर जाके शांति से बैठ के सोचता हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ से घर जाते वक्त पहले बबीता जी के घर जाके उनको एक मस्त गुलदस्ता दे के थैंक यू बोलना तो बनता है। हाँ जीजा जी आप आइए।
बबीता जी। अरे ये क्यों? अरे क्यों नहीं बबीता जी, आपने मेरा थैंक यू का स्वीकार तो किया नहीं, कम से कम गुलदस्ते का स्वीकार तो कीजिए प्लीज। अरे जीठा जी, देखिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों नहीं बबीता जी, आपने मुझे इतना बड़ा ऑर्डर दिलवाया तो आपका आभार व्यक्त करना तो बनता है ना बबीता जी, प्लीज। जीठा जी, बबीता जी प्लीज गुलदस्ते का स्वीकार कीजिए। गुलदस्ता? जनरल तुम बबीता को गुलदस्ता क्यों दे रहे हैं? अरे वो विकी जी वाला ऑर्डर दिलवाया है ना बबीता जी ने। हाँ, तो उसका पेड़ा किला है ना तुमने? हाँ। वो पेड़े वो विकी जी ने मुझे चेक दिया उसकी खुशी में थे, और ये वो विकी जी ने जो चेक दिया था वो उन्होंने फाड़ दिया उसकी खुशी में। चेक फाड़ दिया? हाँ, मतलब वो फिर बाद में उन्होंने पूरा पेमेंट RGTS कर दिया। You mean to say RTGS? RGTS। अच्छा, अरे बाप रे अय्यर भाई, आपको तो जुकाम हो गया। जाइए जाइए, हाथी पैसे दवाई लेके आइए। ये जिग मेरे को जुकाम की वजह से नहीं, एलर्जी की वजह से आ रही है। जर्ली एलर्जी? हाँ, पर आपको किस चीज की जर्ली है? एलर्जी। हाँ एलर्जी। अरे मुझे सिखाने का छोड़िए, ये बताइए किस चीज की है? ये फूलों का। किधर से लेकर आया ये फूल? लेकर जाओ यहाँ से। गुलदस्ते को? हाँ। नहीं नहीं, इसको कहीं नहीं ले जा सकता भाई, ये तो मैं स्पेशल बबीता जी के लिए लेके आया हूँ। बबीता जी। अरे जयदा लाल, यहाँ मेरा ठीक ठीक के हालत खराब हो रहा है, लेकर जाओ इसको। जीठा जी प्लीज, ये बुके आप यहाँ से ले जाइए ना, प्लीज प्लीज। अरे बबीता जी, ये जयदा लाल, तुम जाओ 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 यहाँ से जाओ। अय्यर भाई को फूलों की अजरली कब से होने लगी? सच में अजरली है या अजरली होने का नाटक कर रहे थे? कभी एक आध बार फूलों का गुलदस्ता लेके चुपके से उनके बाजू से गुजरूंगा तो पता चल जाएगा उनको सच में अजरली है या नाटक कर रहे थे। लेकिन अभी ये गुलदस्ते का क्या करूं? बबीता जी के लिए कितना मस्त गुलदस्ता बना के लेके आया था। अभी मैं तो सबके घर पे सॉरी बोलने तो जाना ही है, एक काम करता हूँ, ये गुलदस्ता देके सॉरी बोलूंगा, उनको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी। अरे आ जाने में बहुत देर हो गई। जेठालाल की वजह से। अच्छा, उनके साथ बाहर खाने गए? क्या अंजलि तुम भी यार। अरे तो फिर बताइए ना। आज मैं बॉस के साथ बैठा था और जेठालाल मुझे बार बार फोन कर रहा था। आने दो जेठालाल को, उसे छोड़ूंगा नहीं। आ गया मेहता साहब, आ गया मैं। लीजिए पकड़ लीजिए मुझे। ये? अभी आप ही ने कहा ना, आने दो जेठालाल को, छोड़ूंगा नहीं। तो नहीं छोड़ने के लिए पकड़ना तो पड़ेगा ना। जेठालाल मजाक मत करो, तुम्हारी वजह से आज मेरी नौकरी जाने वाली थी। गई तो नहीं ना मेहता साहब, और अगर चली भी जाती तो मैंने तो आपको पहले ही बोल कर रखा है, छोड़ दो नौकरी, गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरा पार्टनर बन जाइए। सॉरी मेहता साहब, मानता हूँ आज अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, इसलिए देखिए मैं पेशे गुलदस्ता लेके आपको सॉरी बोलने आया हूँ। अब ये गुलदस्ते का स्वीकार कीजिए और मुझे माफ कर दीजिए। ओह सो क्यूट तारक, जीटा भाई को माफ कर दीजिए ना प्लीज प्लीज। ठीक है, थैंक यू, ये लीजिए। लाइए, इसे मुझे दीजिए, आप लोग बैठिए, मैं जूस लेकर आती हूँ। करेले का? नहीं, फ्रेश वाटरमेलन का। वो कौन है? कलिंगर है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ चलेगा चल, लेकिन मैं तो सबके लिए भी लाना, वरना मैं नहीं पी पाऊंगा। हाँ हाँ, दोनों के लिए लाती हूँ, बैठिए ना। हाँ हाँ, आइए मेहता साहब, आइए। बताओ। बस बाकी सब ठीक। भाई बार बार फोन क्यों कर रहे थे ये बताओ। अरे वो विकी भाई का पूरा पेमेंट मिल गया तो खुशखबरी देने के लिए मैं आपको बार बार फोन कर रहा था। अच्छा। हाँ, आप काम का डरा रहे थे मुझे मेहता साहब। अरे भाई डरा नहीं रहा था, तुम्हें सिर्फ सचेत कर रहा था कि तुम्हारी कुंडली विचित्र है।
हम मिडिल क्लास लोगों की सोच ऐसी ही होती है। जब बारिश कम होती है तब भी हम परेशान होते हैं, जब बारिश ज्यादा होती है तब भी हम परेशान होते हैं। क्या करें, देखो जब हमारी जिंदगी में टेंशन ज्यादा होता है तब तो हम परेशान होते ही हैं, लेकिन जब टेंशन नहीं होता है तब भी हम परेशान होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं मेहता साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर मुबारक हो, तुम्हें तुम्हारा पेमेंट मिल गया। मिल गया मेहता साहब। अच्छा मेहता साहब, मैं क्या सोच रहा था, ये बबीता जी की वजह से मुझे इतना बड़ा ऑर्डर मिला तो उनको एक गिफ्ट देना तो बनता है नहीं? विचार तो अच्छा है तुम्हारा। हाँ, तो क्या गिफ्ट दूं उनको? ये बताओ तुम्हारा बजट क्या है? बजट का कोई ऐसा प्रॉब्लम ही नहीं है, गिफ्ट ऐसी होनी चाहिए कि वो देखकर बबीता जी खुश हो जाए। मेकअप का सामान दे दो। मेकअप का सामान तो उनके पास अढ़ड़क होगा मेहता साहब, मेकअप नहीं, कुछ और बताइए। तो सोने की कोई आइटम दे दो। सोने की मतलब तकिया, चद्दर, रजाई, ऐसा कुछ? अरे भाई सोना मतलब गोल्ड। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ओ सोने की, ओ अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ नहीं, ये आइडिया अच्छा है, लेकिन मेहता साहब मैंने उनको कभी सोने का कुछ पहनते हुए देखा नहीं है। तो डायमंड का कुछ दे दो। हाँ डायमंड का कुछ दे सकते हैं, लेकिन डायमंड का कुछ देना थोड़ा रिक्शी है नहीं? क्यों? अरे वो कहते हैं ना कि डायमंड जो है हीरा सबको शूट नहीं करता है। अभी मैंने उनको डायमंड का कुछ खरीद के दिया और वो डायमंड उनको शूट नहीं हुआ तो उनको तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो फिर मतलब सब गिफ्ट हमें ऐसे देनी है जिससे अय्यर भाई को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। अय्यर को क्यों प्रॉब्लम होगी? नहीं, मान लो मैंने बबीता जी को कोई बढ़िया सा वो अत्तर लेके दिया, अभी वो अत्तर की खुशबू से मान लो अय्यर भाई को एजरली हो गई तो वो तो मना कर देंगे, नहीं नहीं ले जाओ भाई, नहीं चाहिए अत्तर ऐसा। अच्छा मतलब तुम बबीता जी को ऐसा गिफ्ट देना चाहते हो जो बबीता जी को पसंद भी आए और अय्यर मना भी ना कर सके। हाँ ऐसी क्या गिफ्ट दे सकते हैं? अरे वाह, मेरे लिए गिफ्ट लेने की बात चल रही है। अरे तुम्हारे लिए नहीं, बबीता जी के लिए। बबीता जी को आप गिफ्ट क्यों दे रहे हैं? मैं नहीं दे रहा हूँ, जेठालाल देना चाहता है। ओह अच्छा अच्छा, वैसे जेठा भाई आप बबीता जी को गिफ्ट क्यों देना चाहते हैं? उनका बर्थडे है क्या? नहीं नहीं, वो क्या हुआ, बबीता जी की वजह से मुझे एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला तो थैंक यू के तौर पे मैं उनको एक अच्छी सी कोई गिफ्ट देना चाहता हूँ। ओह नाइस, थैंक यू। अरे मेहता साहब, अंजलि भाभी से पूछिए ना, वो तो लेडीज भी है और बबीता जी की अच्छी दोस्त भी है, तो उनको पता होगा बबीता जी का क्या पसंद है। सामने ही बैठिए, खुद ही पूछ लो। मैं बताती हूँ, बबीता जी को तो बहुत कुछ अच्छा लगता है, सबसे पहले अय्यर भाई। अब अय्यर भाई तो उनके पास पहले से है ही ना, उनको तो गिफ्ट में नहीं दे सकते। उन्हें जॉगिंग अच्छा लगता है, स्विमिंग अच्छा लगता है, पिक्चरें देखना। जेठालाल एक काम करो, एक मूवी थिएटर या फिर एक स्विमिंग पूल बनाकर गिफ्ट कर दो। नता साहब तुम्हीं ने कहा ना बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक आइडिया है। हाँ क्या क्या? आप अय्यर भाई से पूछ लीजिए, उन्हें तो पता ही होगा कि बबीता जी को क्या पसंद है। अय्यर भाई को पूछूंगा तो पहले ही मना कर देंगे कि नहीं नहीं गिफ्ट देने की क्या जरूरत है, बबीता ने अपने दोस्त के हस्बैंड से पहचान करवाई, उसमें गिफ्ट क्या देनी। हाँ ये बात तो है। ठीक है आप दोनों गिफ्ट के बारे में सोचिए, मैं चलती हूँ। कहाँ? बैडमिंटन खेलने, हम महिला मंडल बैडमिंटन खेलने वाली है। ठीक है जाओ जाओ। अंजलि भाभी ये बबीता जी भी आएंगे खेलने, तो प्लीज आप उनको ये सरप्राइज गिफ्ट के बारे में बताना मत। ऑफ कोर्स। ये मतलब हाँ बोल के गए कि ना? हाँ मतलब बता देंगे। जेठालाल उसके कहने का मतलब ये है, ये भी कोई कहने की बात है, नहीं बताएगी। हाँ फिर ठीक है। वैसे जेठालाल अय्यर के अलावा एक और इंसान है तो तुम्हें बता सकता है कि बबीता जी को क्या पसंद है। कौन? खुद बबीता जी।
तुम उन्हीं से जाके पूछ लो उन्हें क्या पसंद है। अरे मेहता साहब, मैं बबीता जी को सरप्राइज देना चाहता हूँ, अभी उनसे ही पूछूं। बताइए बबीता जी, मैं आपको क्या सरप्राइज दूं? अरे पूछना मतलब डायरेक्टली नहीं पूछना है, मतलब ऐसे बातों बातों में उनसे पूछ लो कि उन्हें क्या पसंद है क्या ना पसंद है, फिर उस हिसाब से गिफ्ट दे दो। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। बस कल सुबह जाना है उनके घर और बातों बातों में जान लेना कि उन्हें क्या पसंद है। नहीं, सुबह तो अय्यर भाई भी रहेंगे ना, और वो बहुत चालाक है, वो मेरी बातों से पता लगा लेंगे कि मैं ये सब क्यों पूछ रहा हूँ। ये भी सही। तो एक काम करो, अभी बाहर महिला मंडल बैडमिंटन खेलने वाली है, तुम बाहर जाओ और बबीता जी से बातों बातों में जान लो कि उन्हें क्या पसंद है। ये बराबर बोले आप, बराबर है, ये आइडिया बराबर है। लीजिए इसी बात पे जूस लीजिए। चीयर्स। बबीता जी तो खेलने में बिजी है, कैसे बात करूं? वो तो खेलते भी अच्छा है, जल्दी आउट भी नहीं होंगे। कोई बात नहीं, वेट करता हूँ। वैसे भी बबीता जी को बैडमिंटन खेलते हुए देखने का मजा कुछ और ही है। वाह 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 बबीता जी वाह। क्या जेठा जी, आपने मुझे आउट करवा दिया। सॉरी 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 बबीता जी सॉरी, लेकिन वो मस्त आपने ऐसा शॉट मारा। तो मुझसे रहा नहीं गया। अंजलि बाबी, ये मेरी गलती थी तो ये पॉइंट नहीं गिना जाएगा। कहा प्लीज। नहीं नहीं बबीता आंटी, जेठा अंकल सिर्फ आपको चेयर कर रहे थे, और चेयर करने पर अगर प्लेयर डिस्टर्ब होता है तो वो फिर प्लेयर की गलती है, जेठा अंकल की गलती नहीं है। राइट। वो भी बात है, इट्स माय मिस्टेक। नहीं नहीं, ये मेरी गलती है। नहीं नहीं जेठा जी, सोनू सही कह रही है, आपकी चेयर से मुझे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए था। तो बबीता जी, अगर आपको पहले सब पता होता कि मैं इधर चेयर्स करने के लिए खड़ा हूँ तो आप डिस्टर्ब नहीं होते। ये तो मैंने अचानक आके एकदम चेयर्स कर दिया ना, उसमें आप डिस्टर्ब हो गए, तो गलती मेरी है। कोई बात नहीं जेठा भाई, आज जैसे आपने तारक को फूलों का गुलाबी गुलदस्ता देकर सॉरी कहा, वैसे ही बाद में बबीता जी को गुलदस्ता देकर सॉरी कह देना। अरे अंजलि बाबी, बबीता जी के सामने गुलदस्ते का जिक्र कहाँ लेके आए? गुलदस्ता? हाँ वो एक्चुअली यार, जो तारक को जेठा भाई की वजह से अपने बॉस से डांट पड़ी थी ना, तो बस सॉरी कहने के लिए ये लिलीज का गुलाबी गुलदस्ता लेकर आए थे। बहुत ही प्यारा गुलदस्ता था। मेरा ऐसा ही है, जैसे मुझे पता चलता है कि गलती मेरी है मैं तुरंत सॉरी बोल देता हूँ। अभी भी देखो ना, जैसे मुझे पता चला मेरी गलती है मैंने आपको सॉरी बोला क्या नहीं। सॉरी बोलने से इंसान छोटा थोड़ी हो जाता है। और वो कहावत भी है ना, सॉरी बोलस्यम वीरस्य भूषणम, मतलब जो हिम्मत वाला होता है वो ही सॉरी बोल सकता है। जेठा अंकल, वो तो क्षमा वीरस्य भूषणम नहीं है। वो बेटा क्षमा के लिए है, ये सॉरी के लिए है। डिक्शनरी में नहीं नए नए शब्द जुड़ते रहते, वैसे ये जो कहावत है ना अभी नई नई जोड़ी गई है। मेरा परम मित्र जेठालाल बहुत होशियार है, बबीता जी ने जो गुलदस्ता लौटा दिया वो जेठालाल ने मुझे थमा दिया, लेकिन अब उसके होशियारी की परीक्षा होने वाली है, क्योंकि जेठालाल कंफ्यूज है कि वो बबीता जी को क्या गिफ्ट। अक्सर ऐसा हमारे साथ भी होता है, किसी का बर्थडे हो एनिवर्सरी हो तो हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सामने वाले को क्या गिफ्ट दें, उनसे पूछ तो नहीं सकते कि आपको क्या गिफ्ट चाहिए। अब जेठालाल निकल चुका है बबीता जी के मन की बात जानने, वो भी इस तरह से जिससे बबीता जी को पता ना चले। आपको एक राज की बात बताऊं, बबीता जी कुछ ऐसा बताने वाली है जिसके बारे में जेठालाल ने कभी सोचा भी नहीं होगा। गिफ्ट लाते लाते जेठालाल के पसीने छूटने वाले हैं, क्या लगता है जेठालाल गिफ्ट ला पाएगा, और गिफ्ट लाते लाते जेठालाल के रास्ते में कितनी मुसीबतें आएंगी,
जो भी होगा हंसी और ठाकों से भरपूर होगा। देखना ना भूले तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।